हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चाइल्ड ए टू जेड पेरेंटिंग स्टार्ट हियर विथ पीडियाट्रिशियन। मैं हूं डॉक्टर विजय कुमार यादव, एमडी पीडियाट्रिक्स, एक्स सीनियर रेजिडेंट एसजीपीजीआई एंड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लखनऊ। आज की इस वीडियो का टॉपिक है बच्चे क्यों रोते हैं। अक्सर पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि उनका बच्चा रोता ही रहता है, तो आइए जानते हैं बच्चे के रोने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। बच्चे का रोना एकमात्र जरिया है हमसे कम्युनिकेट करने का, वो हमसे रोकर ही कम्युनिकेट करते हैं। इसमें न्यू पेरेंट्स को कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चे क्यों रोते हैं, बच्चे के रोने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसे न्यू पेरेंट्स कैसे पहचान सकते हैं और इसका घर पर कैसे उपाय कर सकते हैं। यहीं पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बच्चे के रोने के दो प्रकार हो सकते हैं। पहला है कंसोलेबल क्राई और दूसरा है अनकंसोलेबल क्राई। कंसोलेबल क्राई में बच्चा रोता है, लेकिन जैसे ही उसे फीडिंग कराते हैं, उसे पुचकारते हैं या जो भी उसकी नीड है पूरा करते हैं, बच्चा चुप हो जाता है। अनकंसोलेबल क्राई में बच्चा एक्सेसिव क्राई करता है, फीडिंग कराने और पुचकारी देने के बाद भी चुप नहीं होता है। सबसे पहले बात करते हैं कंसोलेबल क्राई कहाँ कहाँ मिल सकता है। इसमें पहला है हंगर क्राई। बच्चे का पेट बहुत छोटा होता है, जिसके चलते बच्चे को बार बार भूख लग जाती है। मैं पेरेंट्स को एडवाइस देता हूँ कि बच्चे को हर दो से लेकर तीन घंटे पे फीड कराना चाहिए। हंगर क्राई में बच्चे को क्या क्या साइन मिल सकते हैं। इसमें बच्चा लिप स्मैकिंग करेगा। लिप स्मैकिंग का मतलब है बच्चा अपनी जबान से अपने होंठ को चाटेगा, अपने हाथ और पैर की उंगली को मुँह में ले जाएगा और अपने हेड को टर्न करेगा इन सर्च ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग या बॉटल फीडिंग। अगर रोते हुए बच्चे में ये सब साइन मिले तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा बहुत ज़्यादा भूखा है। पेरेंट्स को तुरंत ब्रेस्ट फीडिंग या बॉटल फीडिंग या टॉप फीडिंग, जो भी बच्चे को करा रहे हैं, कराना चाहिए। बच्चे के रोने का नेक्स्ट कारण हो सकता है डर्टी डायपर। अगर बच्चे का डायपर गंदा होगा तो बच्चा डिस्कम्फर्ट फील करेगा, जिसके चलते बच्चा रोने लगेगा। अगर बच्चे का डायपर काफ़ी देर से चेंज नहीं हुआ है तो उसमें सूसु पोटी लग जाती है, जिसके चलते उसको स्किन में इरिटेशन होते हैं और बच्चा डिस्कम्फर्ट फील करता है, जिसके चलते बच्चा रोने लगता है। डर्टी डायपर के क्या साइन है। इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेबल होगा, अपना हाथ पैर मारेगा और बैक आर्चिंग करेगा। इसमें पेरेंट्स को क्या उपाय करना चाहिए। मैं जनरली पेरेंट्स को एडवाइस देता हूँ कि वो अपने बच्चे को डायपर हर दो से लेकर तीन घंटे पे चेंज करते रहें। आप बच्चे का डायपर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। कुछ बच्चे ज़्यादा सुसु पोटी करते हैं, उनमें फ्रीक्वेंट डायपर चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। मैं पेरेंट्स को एडवाइस देता हूँ कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा डायपर फ्री रखें। अगर पॉसिबल हो तो दिन में दो से लेकर तीन घंटे तक डायपर फ्री रखें ही। कई बार मैं ओपीडी में देखता हूँ कि पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि उनका बच्चे में डायपर रैश हो गया है। इस केस में मैं एडवाइस करता हूँ कि बच्चे को डायपर फ्री ही रखें। अगर बच्चे को डायपर पहनाना ज़रूरी ही है तो रैश फ्री क्रीम लगा के ही डायपर पहनाएं। बच्चे में रोने का नेक्स्ट कारण है टायर्डनेस। बच्चे बहुत जल्दी थक जाते हैं। छोटी से छोटी एक्टिविटी बच्चे को बहुत ज़्यादा थका देती है। एक थका हुआ बच्चा सो नहीं पाता, जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और वह रोने लगता है। इसमें बच्चा रोने के साथ साथ अपने आँखों को मसलने लगता है और साथ में उबासी भी लेने लगता है। अगर पेरेंट्स को अपने बच्चे में ये सब साइन दिखें तो बच्चे को तुरंत गोद में उठा लेना है और उसे सुलाने की कोशिश करना है। कई बार बच्चे को अलग अलग पोजिशन में सुलाने पर भी बच्चा जल्दी से सो जाता है। बच्चे का इन्वायरमेंट चेंज करने पर भी बच्चे को सूदिंग इफेक्ट मिलता है और साथ में बच्चा रिलैक्स और हैप्पी हो जाता है। बच्चे को जब भी नींद आए उसे सोने दें, उसके स्लीपिंग पैटर्न को डिस्टर्ब ना करें, अदरवाइज बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। बच्चे के रोने का नेक्स्ट कारण है नॉइजी इन्वायरमेंट। अगर बच्चे के आसपास का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नॉइजी हो गया है, जैसे कि घर पे कोई पार्टी चल रही हो या बहुत ज़्यादा मेहमान आए हुए हों, तो बच्चा ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, जिससे बच्चा इरिटेट होकर रोने लगता है।
इसमें पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? इसमें बच्चे को किसी शांत एरिया में ले जाएं, उसके इन्वायरमेंट को चेंज करने की कोशिश करें, जिससे बच्चा रिलैक्स हो जाएगा और रोना बंद कर देगा। बच्चे के रोने का एक ये भी कारण हो सकता है, वो है अनअटेंडेड क्राई। अगर बच्चा काफ़ी देर तक अकेला है तो वह लोनली फील करने लगता है, जिससे बच्चा इरिटेट होकर रोने लगता है। इसे कॉलिंग क्राई भी कहते हैं। इसमें क्या साइन मिलता है? इसमें बच्चा कुछ देर के लिए रोता है, फिर चुप हो जाता है, फिर रोने लगता है। इसमें बच्चा तब तक रोता रहता है जब तक उसे अटेंड ना कर लिया जाए। अगर आपके बच्चे में ये सब साइन मिले तो बच्चे को तुरंत गोद में उठा लेना है और उसे चुप कराने की कोशिश करना है। बच्चे के रोने का नेक्स्ट कारण है टीथिंग। कई बार बच्चे टीथिंग के कारण भी रोने लगते हैं। जब बच्चे का दांत आता है तो उसके मसूड़े में स्वेलिंग आ जाती है, जिससे चलते बच्चे को इरिटेशन होता है और बच्चा रोने लगता है। इस तरह के क्राई में क्या साइन मिल सकते हैं? इसमें बच्चा रोने के साथ साथ उसके मुंह से लार निकलती है। अगर बच्चे को कोई चीज़ दिया जाए तो वह मुंह में चबाने लगता है। आप बच्चे को कैसे कंफर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं? पहला है कि बच्चे को गम मसाज करिए। आप टीथर दे के भी बच्चे को सूदिंग इफेक्ट दे सकते हैं। बच्चे के रोने का नेक्स्ट कारण हो सकता है बर्पिंग। अगर बच्चा अच्छे से डकार नहीं लिया है या उसे अच्छे से बर्पिंग नहीं दी गई है तो भी बच्चा रोने लगता है। कई बार न्यू पेरेंट्स अपने बच्चे को एक बार डकार डला के सोचते हैं कि बच्चे के पेट की गैस निकल गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस तरह के क्राई में क्या साइन मिल सकता है? जब भी बच्चे को फीड कराएंगे, फीड कराने के बाद बच्चा तुरंत रोने लगता है। जब भी बच्चा दूध पीता है, दूध पीने के साथ साथ एयर भी स्टमक में चली जाती है। वो एयर स्टमक में जाके काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करती है बच्चे को, जिससे बच्चा रोने लगता है। इसमें पेरेंट्स को ये समझ लेना चाहिए कि बच्चे को बर्पिंग की ज़रूरत है। बच्चे को सही तरीके से बर्पिंग कराना भी ज़रूरी है। बच्चे में बर्पिंग कराने का सही तरीका क्या होना चाहिए? बच्चे को अपने पीठ पर लेटा दें और उसके सर को पीछे की तरफ कर दें और हल्के हाथ से उसके पीठ को धीरे धीरे पैट करें। पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो अपने बच्चे को फीड कराएं, उसे मिनिमम 10 मिनट तक थपकी जरूर दें, अदरवाइज बच्चे को गैस बन जाएगा। इस तरह के क्राई में बच्चा कैसे प्रेजेंट करता है? बच्चा अपना हाथ पैर मारता है और बैक आर्चिंग करने लगता है। पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छे से बर्पिंग करें। कई बार बच्चे को अगर लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लेटा दिया जाए तो बच्चा गैस पास कर देता है, जिससे बच्चे को काफ़ी रिलीफ मिलता है। अब तक जो भी काज डिस्कस किए हैं वो कंसोलेबल क्राई के थे। अब आइए डिस्कस करते हैं अनकंसोलेबल क्राई के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अनकंसोलेबल क्राई का पहला कारण है कोलिक पेन। बच्चे के रोने का एक कारण कोलिक पेन भी हो सकता है। न्यूबॉर्न बेबी में कोलिक पेन बहुत कॉमन है। इसमें बच्चा एक्सेसिव क्राई करता है और चुप कराने पर भी चुप नहीं होता है। कोलिक क्राई पेन को पेरेंट्स कैसे पहचान सकते हैं? इसमें बच्चा अपना पैर मोड़ सकता है, साथ में हाथ पैर भी टाइट कर सकता है। इसमें बच्चे का चेहरा लाल हो जाता है, कई बार बच्चे का पेट भी फूल जाता है। ऐसा होने पर अपने पीडियाट्रिशियन से तुरंत संपर्क करना है। बच्चे में रोने का नेक्स्ट कारण हो सकता है इलनेस। अगर बच्चा बीमार होगा तो भी रोने लगता है। इसमें बच्चा चुप कराने पर भी चुप नहीं होता, काफ़ी देर तक रोता है। इसमें पेरेंट्स को सबसे पहले ये सारी चेकलिस्ट चेक करनी चाहिए। इसमें पेरेंट्स को साथ में फीवर और वोमिटिंग भी चेक करना चाहिए। एक इल बच्चा काफ़ी ज़्यादा सुस्त हो जाता है, ऐसा होने पर अपने पीडियाट्रिशियन से तुरंत संपर्क करना है। आई होप आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। मैं ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लाता रहूँगा। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें
वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।